और यहाँ पे जो बिगेस्ट चेंज होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे। तो कैसे हो सुबह जन, आज हम खड़े हैं सिवाय सेल्स बजाज के शोरूम में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं नहीं कि 1 अप्रैल 2023 से BS6 में चेंज हो गया और BS6 फेज 2 जिसे आप BS7 कहते हैं वो आ चुका है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जिसके साथ कंपनियों ने सभी बिल्कुल BS7 मतलब जो बाइक्स E20 फ्यूल को सपोर्ट करती हैं उन बाइकों को लॉन्च कर दिया है और अपने पास आज न्यू वाली 2023 मॉडल BS7 बजाज की पल्सर 125। तो आज अपन करने वाले हैं इसका रिव्यू के क्या कुछ इसमें चेंज होने वाला है और क्या कुछ इसमें आपको खास मिलने वाला है नए वाले मॉडल में बजाज पल्सर 125 के। तो वीडियो करते हैं अपन जल्दी से स्टार्ट। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला है, एज इट इज आपको फ्रंट लुक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलने वाली है और यहाँ पे आपको बजाज का लोगो और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्लॉसी आपको वाइजर मिलने वाला है। आप मेरी जो है परछाई भी इसमें देख सकते हो, तो पूरा का पूरा ग्लॉसी इसमें वाइजर मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको देखो कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पे मिलने वाली है और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मडगार्ड यहाँ पे ग्लॉस में मिलने वाला है, जबकि यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाएगी। टेलीस्कोपिक फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलने वाले हैं और ये मिलने वाला है गाड़ी का आगे वाला टायर, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं। साथ में इस साइड आपकी बात करें तो इस साइड आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, एक और रिफ्लेक्टर मिलने वाला है, डिस्क ब्रेक के कंप्लीट कंट्रोल मिलने वाले हैं। टायर साइज की बात करें ना तो 80/17 का आपको टायर साइज मिलने वाला है, ट्यूबलेस आपको इसमें टायर मिलने वाला है। एनीवे ओवरऑल कुछ लुक इस तरीके से मिलने वाला है जो कि ओल्ड पल्सर जैसा ही है, मतलब जिन लोग को ओल्ड पल्सर बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्रॉपर एक जैसा ही लुक रखा गया है, केवल यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलने वाली है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाप? यहाँ की बात करें तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं किया गया है, आपको एज इट इज मीटर मिलने वाला है, सेमी डिजिटल मीटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको RPM दिखाएगा, 12,000 तक आपको RPM मिलने वाली है। यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाली है जहाँ पे आपको स्पीड, फ्यूल और ट्रिप बस तीनों चीज़ बताएंगे। यहाँ पे आपको स्पीड बता देगी, ट्रिप है ट्रिप भी बता देगी और फील्ड मीटर बता देगा बस। और यहाँ पे डिस्प्ले का कोई काम नहीं है और यहाँ से आप इस बटन से इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, न्यूट्रल का स्विच मिल जाएगा, हेडलाइट का स्विच मिल जाएगा, चेक इंजन लाइट मिल जाएगी और यहाँ पे RPM लिमिट की लाइट मिलने वाली है। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे डिस्क ब्रेक का कंट्रोल मिल जाएगा, इंजन किल स्विच मिल जाएगा और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पास लाइट मिल जाएगी, अपर डिपर मिल जाएगा, इंडिकेटर कंट्रोल मिल जाएंगे और हॉर्न मिल जाएगा। ये मिलने वाली है बजाज पल्सर की बड़ी सी टंकी, पूरी मेटेलिक फ्रेम में आपको आने वाली है और यहाँ पे जो काउल लगाए गए हैं ये आपके टैंक काउल कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिसेंट से लग जाते हैं। ये मिलने वाला है टंकी का ढक्कन, जहाँ पे आप E20 की ब्रांडिंग क्लियरली देख सकते हो, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे पूरा कवर लग जाएगा तो काफ़ी शानदार ये गाड़ी लगने लगती है और ये पूरा का पूरा आप एक बार फिनिश देखो तो कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सीट की बात करें तो काफ़ी लंबी आपको सीट मिलने वाली है, इसमें एक स्प्लिट सीट वाला मॉडल भी आता है, ये बिना स्प्लिट सीट वाला मॉडल है। कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट आपको कुशनिंग मिलने वाली है और इस तरीके से सीट का कम्प्लीट कवर मिलने वाला है जो कि काफ़ी सही है और इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ये पार्ट भी देखो ना तो ये भी आपको जो है कार्बन फाइबर में ही दिख जाएगा और ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, ये वाली फिनिश भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश ही मिल जाएगी, प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक नहीं है। यहाँ की बात करें ना तो यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी और साइड लुक की बात करें ना तो यहाँ पे आपको जो है 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है, टेलीस्कोपिक आगे मिल जाएंगे, सस्पेंशन पीछे आपको मिलने वाले, एडजस्टेबल ऑयल सस्पेंशन मिलने वाले, थ्री वे एडजस्टेबल हो जाएंगे, ये बढ़िया था गुरु। फुटरेस्ट मिलने वाला है, एक और फुटरेस्ट मिलने वाला है, ये लेडीज वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ की बात करें ना तो यहाँ पे आपको जो है गियर्स मिलने वाले हैं, 5 गियर्स का सेटअप मिलने वाला है, साइड स्टेयरिंग इंजन का डॉग मिलने वाला है और यहाँ पे जो बिगेस्ट चेंज होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे आपको पहले कार्बोरेटर दिखाई देता था ना, अब कार्बोरेटर गायब कर दिया है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ होने वाली है, फ्यूल इंजेक्टर इसमें आ गया है फाइनली बजाज ने, इसमें फ्यूल इंजेक्टर डाल दिया है, कार्बोरेटर का झंझट अब इसमें ख़त्म हो गया है। तो E20 में आने से इसमें ये अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे आपको जो है लेग गार्ड मिलने वाले हैं और अब ये साइड की सेटअप की बात करें तो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलने वाला है,
यहाँ पे आपको देखो पूरा का पूरा मैट ब्लैक में आपको ये साइलेंसर मिलने वाला है, फुटरेस्ट मिलने वाला है, सस्पेंशन मिलने वाला है, बैक ब्रेक मिलने वाला है, किक मिलने वाली है और बजाज का 125 सीसी का इंजन मिलने वाला है जो 11.8 पीएस की पावर आपको आसानी से प्रोवाइड करा देगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो भाई ये हो गया कंप्लीट रिव्यू। इसमें सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, देखो कार्बन फाइबर फिनिश तो मिलने वाली है, साथ में एक चीज चेंज हुई है, कार्बोरेटर की जगह इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखो ग्रैब हैंडल देख लो, ये बैक लाइट देख लो और ये रिफ्लेक्टर लाइट देख लो पीछे वाली, और नंबर प्लेट लेस करने के लिए भी आपको नीचे लाइट मिलने वाली है। ये हो गया कंप्लीट रिव्यू बजाज पल्सर 125 E20 का। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं वीडियो में, टाटा बाय बाय।